महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था अंतर्गत आने वाले कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा हमेशा से ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की ओर से अनन्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत कल फ्लैश मॉब से की गई है। मैं डॉक्टर संजीवनी शास्त्री, कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की प्रिंसिपल। हमारा कॉलेज ये महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था के अंतर्गत आता है। महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था के 126 साल से वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर रही है। हमारे संस्था के 65 प्लस कॉलेजेस है थ्रू आउट महाराष्ट्र। आज ये जो फ्लैश मॉब का कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, वो एक शुरुआत है अनन्या ये कार्यक्रम की। अनन्या मतलब यूनिक, तो इसके अंतर्गत ये कल्चरल, टेक्निकल और स्पोर्ट्स ऐसे कंबाइंड इवेंट है। ये इवेंट आज से शुरू होकर 4 तारीख तक होने वाला है। तो मैं सभी कॉलेजेस और सभी विद्यार्थियों से निवेदन करती हूँ कि आप आके हमारे कॉलेज में आके अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें और हमारे बच्चियों को प्रोत्साहित करें। आज हमारे सिर्फ कमिंस इंजीनियरिंग कॉलेज से लड़कियाँ आ रही हैं आई है और वो जो फ्लैश मॉब करने वाली है, वो उसका थीम है स्वे योर वे। स्वे योर वे का मतलब है हमारे साथ आकर गाना गाइए, नाचिए और हमारा जो मकसद है वुमेन एम्पावरमेंट का, उसे आगे बढ़ाने में मदद करें। नमस्कार, माझं नाव पल्लवी गणोरकर। मी कमिन्स कॉलेजमध्ये आहे, कमिन्स कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमध्ये। मी तिथे कल्चरल हेड आहे। यावर्षीचं जे अनन्या इव्हेंट आमचं आहे, जे दरवर्षी होतं, त्याचं मी कोऑर्डिनेशन बघते आहे। गेल्या 2 वर्षात आम्ही हा इव्हेंट करू नाही शकलो कोविडमुळे, तर यावर्षी आम्ही आता तो फार मोठ्या प्रमाणावर करतो आहे, ज्याची सुरुवात तुम्ही आजपासून इथे बघता आहे। फ्लॅश मॉब हा आमचा पहिला इव्हेंट आहे। याच्यात मुली तुम्हाला एक प्रॉपर मेसेज कन्व्हे करणार आहेत, सोशल मेसेज त्यांना त्याच्यातून द्यायचा आहे आणि आम्ही आमच्या इव्हेंटचं प्रमोशनही याच्यातून करतो आहे। त्याच्यात जो इव्हेंट आहे आता आज फ्लॅश मॉब, त्याच्यानंतर 28 तारखेपासून पहिले टेक्निकल इव्हेंट्स आहेत, त्याच्यानंतर स्पोर्ट्स इव्हेंट आहेत, कल्चरल आहेत, फॅशन शो आहे, असे बरेचसे इव्हेंट्स आम्ही स्टुडंटसाठी ठेवले आहेत। तर तुम्हाला संस्थेबद्दल सगळ्यांना माहिती आहेच, महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था आहे। आम्ही मुलींचं एज्युकेशन याच्यात प्रमोट करतो आहे। आम्ही आत्ता पण हेच म्हणू की ज्या सगळ्या कॉम्पिटिशन आहेत, सर्वांनी यावं, याच्यात पार्टिसिपेट करावं। स्पोर्ट्स इव्हेंट और टेक्निकल इव्हेंट में हम लोगों ने रखा है लड़कों को पार्टिसिपेट करने के लिए, दे कैन पार्टिसिपेट। बट जो कल्चरल इवेंट्स है या स्टेज इवेंट्स है, उसमें हम लोग लड़कियों को बोल रहे हैं या लड़कियों का ग्रुप हम लोग वहाँ पर प्रमोट करने वाले हैं। नहीं, हमारे वेबसाइट पर इसके सारे पोस्टर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मिनिमल कॉस्ट स्टूडेंट्स ने रखा है। टेक्निकल इवेंट्स अगर है तो इंडिविजुअल इवेंट्स में उनको 20 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री है, या ग्रुप इवेंट्स के लिए 100 है। स्पोर्ट्स इवेंट में भी सेम उन्होंने रखा है फीस स्ट्रक्चर, कि अगर इंडोर स्पोर्ट्स आपका है जिसमें आपको इंडिविजुअल एंट्री लगती है, चेस हो गया, कैरम हो गया, टेबल टेनिस है, तो उसमें उन लोगों ने 100 रुपीज़ रखा है। एंड जो भी ग्रुप इवेंट्स है तो उसमें 250 का उन्होंने एंट्री फीस रखा है। बाकी डिटेल्स आपको सारे वेबसाइट पर मिल जाएंगे, इंडिविजुअल पोस्टर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं।